अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटा। आज हमने चैप्टर नंबर 11 की कन्वर्जन पढ़नी है बेटा। ढाई के साथ कन्वर्जन है, पांच कन्वर्जन है जस्ट। तो पांच मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक ही मेथड मैंने यूज करना है, गिगनार रीजन वाला मेथड। नो नोट का हमने पढ़ा नहीं हुआ, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 8 चैप्टर में हमने इसको टच दिया थोड़ा सा। तो बिल्कुल वही मेथड हमने यूज करना है। एक रेशन आपको समझ आ गया, समझने के सारे समझ आ गए, इसी तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट हमारे कन्वर्जन क्या है, मैथनॉल इनटू एथेनॉल। बेटा हमें पता है कि मैथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और एथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH। मतलब कि CH3OH के दरमियान एक CH2 हमने क्या करनी है, इंसर्ट करना है, हमारे पास एथेनॉल बन जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं CH3OH। इसकी पहले ऑक्सीजन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम स्टॉस एट 300 टेंपरेचर के ऊपर। तो क्या होगा मेरे पास बेटा, हमें पता है कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हम, हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब बेटा अगर सेकेंडरी करवाएंगे तो हमारे पास कीटोन बनेगा, हमने इसका रिएक्शन पढ़ा था। तो बेटा हमारे पास क्या है कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बना, तो बेटा इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं गिगनार एजेंट का। हमें पता है गिगनार एजेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है RMgX, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इसको, ठीक है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, आर से बात आपको कोई मिथाइल ग्रुप, एम जी आपकी मेटल, एक्स से बात कोई भी हैलोजन, इसका रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक हो गया। तो बेटा होगा क्या, हमें पता है कि जहां पे Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मेटल है, कार्बन एटोमेटिव है, देन मैग्नीशियम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी। बेटा यहां पे कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑर्गेनोमेटैलिक कहते हैं इसको, ये आपकी लोहित का बात एक चार्ज है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अदरवाइज आप जहां पर देखेंगे कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, यहां पे सिर्फ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक हो गया। बेटा क्या होगा कि ये वाला मेरा जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे अटैक कर देगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड पांच बन जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव की सूरत में, और MgCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है हमें। बेटा यहां पे हमारे पास CH3 ये वाला, इसके बाद ये कार्बन, इसके बाद O नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ एक एच अटैच है, इधर भी एच अटैच है, बाकी बेटा हमारे पास क्या आ गया, O नेगेटिव। अब O नेगेटिव को किसके साथ है, पॉजिटिव की, यहां पे MgCl टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो चुका है, जब ये ब्रेक होगा तो MgCl को Mg किसकी सर्च होगी नेगेटिव चार्ज की, तो ये इसके साथ आपको मिल जाएगा MgCl के फॉर्म में, ठीक हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद हम इसकी करते हैं हाइड्रोलाइसिस, CH3COMgCl H और H, इसका रिएक्शन करवाते हैं बेटा हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में, यानी हम इसको एसिड भी कह सकते हैं, बुक में आपने लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव, तो मैं ऐसे लिख रहा, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्या करूँगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक हो गया। तो हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा कि ये वाला जो नेगेटिव है बेटा ये इस पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी क्या बनेगी, CH3 ये वाली, उसके बाद CH2H है, मैंने CH2 लिख दिया इसको, यहाँ पे O के साथ आगे बेटा H लग गया ये वाला, ठीक हो गया, इथाइल अल्कोहल बन गया, एथेनॉल बन गया, प्लस क्या बनेगा Mg है, Mg के साथ एक Cl अटैच है, यहाँ पे OH है नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि H निकल गया है, OH पे क्या करता है नेगेटिव, वो नेगेटिव Mg पॉजिटिव को अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH Mg मैक्सिमम बेटा दो बॉन्ड बना सकता है, Mg भी सेटिस्फाइड हो गया, ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए, हमारे पास क्या बन गया, एथेनॉल बन गया जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी, ठीक हो गया जी। बेटा नेक्स्ट वाला मेथड हमारे ऐसे ही है, बिल्कुल आसान है बेटा, ये नोट डाउन कर ले, बिल्कुल आसान मेथड है। नेक्स्ट है एथेनॉल टू मेथनॉल का कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका उलट आ गया है, अब हमने कार्बन को कम करना है। देखिए जैसे ये मेरे पास एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, और इससे हमने क्या करना है CH3
हुआ स्टूडेंट है। ठीक हो गया, तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका। सी एच टू एच आ गया, सी एच टू ओ एच आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा ये कंडीशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 के शुरू में कि जब हम डीहाइड्रेशन करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो हम ये कंडीशन देते हैं प्राइमरी गोल के लिए। तो बिल्कुल वही कंडीशन है, यहाँ से क्या होगा वाटर वगैरह रिमूव हो जाएगा, मेरे पास अल्किली बन जाएगी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू ओ आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इसके बाद क्या करेंगे हम, जो मेरे पास अल्किलीन आई है उसकी करवाएंगे ओजोनोलाइसिस। हमने ओजोनोलाइसिस की एक चैप्टर पढ़ी हुई है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये मेरे पास प्रोडक्ट आती है अगर आप लोगों को याद हो तो। बेटा ये मेरे पास जो है ना स्टेबल नहीं है, क्यों स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रेचेबल होता है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बॉन्ड बहुत स्ट्रेच होता है, तो थोड़ी सी एनर्जी वाले से टूट जाता है, फिर ये करता है अपने आप को रीअरेंज करता है। तो ये रीअरेंज करेगा क्या करेगा, सी एच टू ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सी एच टू हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन 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 और ये बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा अब क्या होगा, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस तरह ब्रेक करने से, आप लोग इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, और अगर आपको मैं समझाऊं दूसरे तरीके से वो मैं बताता हूँ कैसे। तो बेटा इससे क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी के टू सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ ये जेड है ओ की मौजूदगी में, एच टू ओ की मौजूदगी में रिएक्शन होता है बेटा, तो साथ हमारे पास एच टू ओ टू आ जाएगा। समझ आ गई बात की। अच्छा इसको मैं गेन करवाता हूँ आपको, सी एच टू सी एच टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन गया, तो इसके तीन बार बनने पॉसिबल नहीं है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया, जो इसके बाद पांच बार बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे साथ वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अगेन बेटा क्या होगा, जबकि बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ हमारे पास आ गया सी एच टू डबल बॉन्ड हो गया, साथ यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर सी एच टू डबल बॉन्ड हो गया प्लस एच टू ओ टू आ गया। ठीक है, ये एच टू ये ओ ले लिया, तो मैंने ये आसान तरीके से आपको समझा दिया। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेलिया बन गया दोनों तरीके से, अब फॉर्मेलिया रिएक्शन करवाएंगे, इसको इजी तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, हमने बनाना क्या है मेथनॉल, अब इसकी करवाएंगे रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, टू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्रांच ऑफ निकल साथ इसको हीट करेंगे, एक एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा एथेनॉल, यानी के सी एच थ्री ओ एच, एक एच यहाँ पे ऐड हो गया, दूसरा यहाँ पे ऐड हो गया, हमारे पास मेथनॉल बन गया सी एच थ्री ओ एच, जो कि हमारी क्या थी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी। ठीक हो गया, समझा के आपको, सिंपल है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन की, ओजोनोलाइसिस करवाई एंड फिर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन करवाई, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गई। नेक्स्ट बेटा एथेनॉल टू आइसोप्रोप आए, बेटा एथेनॉल का आपको फॉर्मूला भी आता है, क्या है जी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। ठीक है जी, तो बेटा इसके हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये ऑक्सीजन एजेंट है, तो क्या आएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ए प्लस हमारे पास एच टू ओ रिमूव हो जाएगा। हमें पता है कि एथेनॉल की जब ऑक्सीजन करवाते हैं तो हमारे पास एसीटोन बनता है, तो ये एसीटोन बन गया, तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर सी एच थ्री एम जी सी एल, यानी के ग्रिगनार्ड रिजेंट का अटैक करवाएंगे। मैंने कहा था कि ये बार बार यूज होना है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सेम स्टेप जो हमने यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा सी एच थ्री बेटा ये वाला, इसका पार्ट बन गया इस कार्बन के साथ, ये कार्बन आ गई इसके ऊपर, और नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीडेशन हो गया,
है, ठीक है जी। तो उसके बाद इसके साथ H3 अटैच है और एक H अटैच है, MgCl इसके साथ आके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब अगेन यही प्रोडक्ट लेते हैं, CH3CO MgCl नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है CH3 है और H है, इसका बेटा हम क्या करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में H2O वाटर सैचुरेट करवाते हैं। तो क्या करेगा ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से H ले लेगा और OH से H पॉजिटिव अटैक कर लेगा, मेरे पास क्या रहेगा CH3 ये वाला, इसके बाद फिर ये वाला C, उसके बाद फिर ये CH3 आ जाएगा और इस O ले लिया गया है, OH ले लिया है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है बाकी, इसके साथ एक H भी अटैच है और बाकी क्या बच गया हमारे पास MgCl और ये OH, MgCl तो ये वाला आ गया ना और OH इस पे अटैक करके इसकी वैलेंसी को होने कर देगा बिल्कुल ऐसे जैसे पहले रिएक्शन में किया है। मेरे पास क्या बन गया रिक्वायर्ड होना कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ गया, क्या आ गया जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा जी इसे नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एथाइल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला पता है, ये है जी फार्मूला फॉर्मेल्डिहाइड, इस पे अगेन ग्रीक नारियल का रेक्टोराइडेस C3 MgCl इन द ब्रांड्स ऑफ ईथर, क्या होगा पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, कार्बन के पांच पार्ट बन जाएंगे पॉसिबल नहीं है, सेम स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो क्या है प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ये वाला CH3 ये वाला आ गया सबसे पहले CH3 ये वाला CH3, उसके बाद बेटा ये वाला कार्बन आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसके साथ एक एच यहाँ पे है एक एच यहाँ पे है, बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा बाकी मेरे पास MgCl वो इस नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगी जैसे हमने पहले किया। अच्छा अगेन ये लेते हैं CH3CH2 में बैठा कर लेता हूँ उसको, साथ इसके OMgCl है नेगेटिव पॉजिटिव H पॉजिटिव और वाटर की जो रिएक्शन करवाएंगे बेटा ये नेगेटिव इस H को ले लेगा, ये यहाँ पे जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो क्या आएगा CH3 आ गया CH2 आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे H आ जाएगा, इसके साथ बाय प्रोडक्ट मेरे पास जो बनती है MgCl और OH बन जाएगी, मेरे पास क्या आ गया इथाइल अल्कोहल यानी कि एथानॉल आ गया, समझाइए सेम स्टेप है बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट आखिरी में चलते हैं बेटा हमारे पास क्या है एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला हमें पता है CH3C2O CH3 एसीटोन है, इसकी ऑक्सीजन करवाएंगे बेटा क्या बनेगा CH3, और याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने तीन लेने हैं जी 3 ऑक्सीजन लेने हैं, ठीक है जी। क्या बनेगा CH3C2O OH + HC OH आएगा, और ये याद रखना है कि हम इसके मैकेनिज्म में कार्बन केस में देखेंगे कि जब इसको ट्रीट करवाते हैं तो ये दो प्रोडक्ट क्यों आती है यहाँ डिटेल में हमने देखे, ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा क्या है हमारे पास ये हमारे पास इसको इसके रिएक्शन करवाएंगे CH3C2O OH और रिडक्शन के हमारे पास क्या है 4H हमने लिया है, ठीक है जी। 2H इस O के साथ मिलके वाटर बना देंगे और जो यहाँ से 2H है वो इस कार्बन के साथ मिल जाएंगे, हमने वुल्फ फिशर और क्लैम्पसन रिडक्शन पढ़ा था सेम वही रिडक्शन है, तो क्या हो जाएगा CH3CH2OH आ जाएगा, ये देखिए ये CH3 था CH3 आ गया यहाँ से C था, इस C ने ये हमसे दो हटने के CH2 बना लिया OH वैसे का वैसे रह गया और बाकी दो हटने के उन्होंने ऑक्सीजन का मिलके वाटर बना दिया, हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गई इथाइल अल्कोहल की। होपफुली आपको इजीली समझ आ गया होगा बेटा, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेटा जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोनिक एसिड वाला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।